तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी निकल के आ रही है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। और यहाँ पे बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आप लोग के लिए निकल के आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इरकॉन इंटरनेशनल में सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए वैकेंसी है। कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू यहाँ पे आपका होने वाला है। और यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको पेमेंट नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री है सभी को लिए। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो बहुत अच्छा मौका है आप लोग के लिए एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का। ये जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं प्रॉपर नोटिफिकेशन डिटेल पर के आप लोग को समझा दूंगा और कैसे कहां से अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन बेल को जो दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि एवरीडे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करेंगे। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूँ। और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के, कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूँ। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो ये है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट। वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड कर दिया है नोटिफिकेशन का, आप वहाँ से भी जाके इसको स्टडी कर सकते हो। पहले आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लो। जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, आपको यहाँ पे राइट टॉप पे HRN करियर लिखा हुआ मिलता है, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे career@irkon लिखी हुई है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वापस से आपको स्क्रॉल करना है, नीचे में देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट लिखी हुई है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, लेकिन बहुत अच्छी जॉब है। अगर इस प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर लिए तो आपका CV जो है बहुत वेटेज हो जाएगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी आपके CV को आपको। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑन पे स्केल बेसिस एडवर्टाइजमेंट नंबर C092022। इसी को आपको क्या करना है, क्लिक करके यहाँ पे खोल लेना है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड होनी चालू हो जाएगी। मैंने पहले से खोल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट कर रखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में एक जॉब निकल के आ रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। और अगर आपके यहाँ पे सिलेक्शन होती है तो यहाँ पे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी गर्व की बात भी है, और आपकी CV जो है वो भी बहुत भारी भरकम हो जाएगी अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है। तो देख लो, यहाँ पे सिर्फ सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए ही वैकेंसी है, और मैट्रिक वाले, ITI वाले, उन लोग के लिए भी है जो अप्रेंटिसशिप जो किए हुए हो, सिर्फ उन लोग के लिए भी है। तो मैं आप लोग को बोलता ही हूँ बार बार अप्रेंटिसशिप वालों को किया करो। चलो हम लोग सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए लेके जो है उसको लेके बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, रेफरेंस पिन सेटिंग इंजीनियर, जहाँ पे आपका सिविल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं। मिनिमम 60% मार्क्स आपका यहाँ होना चाहिए और फुल टाइम आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट के लिए 35 ईयर्स रखा गया है, जिसकी कट ऑफ डेट है यहाँ पे 1 जून 2022। यहाँ पे मिनिमम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्लैब ट्रैक इंजीनियर, जहाँ पे फिर से वापस से सिविल इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, 60% मार्क्स होना चाहिए, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट है कैम इंजीनियर, यहाँ भी सेम सारे क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। उसके बाद कैम इंजीनियर QC, उसके लिए भी सेम पूरे यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इन सब में आपका जो सैलरी है ना वो 28 ईयर से लेके 80 ईयर तक रहेगा, और प्लस बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स अलाउंसेस जो होती है वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद देख लो, टर्नआउट इंस्टॉलेशन इंजीनियर, जहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा मांग लिया गया है सिविल इंजीनियरिंग में, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 साल का यहाँ पे मांगा गया है। चलिए आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा वो वाला रेल वेल्डिंग इंजीनियर, जहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर्स रखा गया है, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाले जो पोस्ट एप्लीकेबल थे वो सब मैंने आपको बता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी पोस्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे देख लो, अगर आपने मैट्रिक ITI किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो इसके साथ, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स है उसके बारे में आपको यहाँ पे बता दिया गया है, आप उसको देख सकते हो। जैसे आप देख लो, आपको इनिशियल बेसिक पे जो है वो तो मिलेगी, उसके बाद DAHRA वो सब है 30% आपको वो मिल जाएगा, और अलाउंसेस 15% आपको बेसिक का और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी आपका यहाँ पे रहने वाला है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो बाद में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है, लेकिन इनिशियली आपको इरकॉन के जो ऑफिस है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का, वहाँ पे आपका होने वाला है। उसके साथ ही आपको एक श्योरिटी बॉन्ड भी यहाँ पे साइन करना पड़ेगा 5 लाख रुपए का, कि आप इस कंपनी को एटलीस्ट 3 साल तो यहाँ पे सर्व करोगे ही, ठीक है। तो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा तो सभी करेंगे 3 साल, ये मिनिमम है। मतलब 3 साल तो आपको रहेगा ही, अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं तो इसको आगे भी बढ़ाया जाता है, क्योंकि इरकॉन बहुत बड़ी कंपनी है और इनकी जो प्रोजेक्ट्स है वो आते ही रहते हैं, तो परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। अब बात करें सिलेक्शन का, तो यहाँ पे देख लो सिलेक्शन मोड, यहाँ पे आपका वर्चुअल मोड में इंटरव्यू होने वाला है, यानी कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, उसी के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उस ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए पहले आपको जाके वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा उनके ऑफिशियल प्रोजेक्ट साइट पे, एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उस प्रोजेक्ट साइट पे जाना है और वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। कब जाना है वो सारा डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट यहाँ पे रखी गई है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उस डेट को आपको उस प्रोजेक्ट साइट पे जाना है, वहाँ पे खुद को अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी इंटरव्यू ली जाएगी, आपको डेट दे दिया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसेस है बाकी सब वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ये सब वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साथ में वहाँ पे ले जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोस्ट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एड्रेस, जहाँ पे आपको जाके सब चीज़ वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो देख लो ये जो भी है, रेफरेंस पिन सेटिंग इंजीनियर हो गई या स्लैब ट्रैक इंजीनियर हो गया, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, जैसे 28 जून किसी में 29 जून, तो अपने पोस्ट के हिसाब से जो डेट है उस डेट पे आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए पहुँच जाइएगा। आपको इस एड्रेस पे जाना है, 405 एंड 406 इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, SNS सिनर्जी बिल्डिंग, डूमस रोड, सूरत, गुजरात, पिन कोड इतना। इस एड्रेस पे जाके आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है वो मॉर्निंग में 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 1 बजे तक चलेगा, और ये प्रोसेस 1 से 2 दिन 3 2 से 3 दिन भी चल सकता है। तो उस हिसाब से अपना तैयारी करके ही जाना, ठीक है। आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट पहले तो होना ही पड़ेगा, वो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, सब सही रहेगा तो ही आपके इंटरव्यू जो है वो आगे कंडक्ट की जाएगी। ये अच्छा मौका है कि पहले आपका सारा चीज़ चेक हो जा रहा है, उसके बाद अगर आपकी क्लियर हो जाती है इंटरव्यू, आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाने वाला है। आप यहाँ पे चाहो तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म उसके लिए भर के वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। ये हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको वहाँ पे भर के ले जाना है, तो इसको आप लोग ले जाइएगा अच्छे तरीके से भर के। आई होप आप लोग को यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो गया है, फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। अच्छा मौका है, जो भी जा सकते हो इसके लिए अटेंड जरूर कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, बिल्कुल फ्री में है, कोई पैसा भी नहीं देना है इसके लिए। वीडियो अगर काम की लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि एवरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा करेंगी। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूँ, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के, कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूँ, तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।